गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इन ब्रशेस का रिव्यू जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। ये ब्रशेस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो अगर आप भी ब्रशेस खरीदने की सोच रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अफोर्डेबल से ही नहीं होता है, अफोर्डेबल के साथ क्वालिटी भी मैटर करती है। तो मैं आज वही शेयर करने वाली हूँ कि क्या ये ब्रशेस रियली वर्थ बाइंग है, क्या इसकी क्वालिटी अच्छी है। एंड अगर आप न्यू हो, बिगिनर हो मेकअप में, अगर आपके पास ये ब्रशेस ऑलरेडी है या फिर नहीं भी है एंड आपको पता नहीं है कि कौन से ब्रशेस आपको कहाँ यूज़ करने चाहिए, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी कि अगर आप बिगिनर भी हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो या चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात करते हैं इसके पैकेजिंग की। सो यू कैन सी ये इस तरीके से एक बैग काइंड ऑफ पैकेजिंग में आती है एंड यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हो कुछ इस तरीके से एंड अंदर आपको ये सारी ब्रशेस मिलती है। आपको इस तरीके से ये ब्रशेस मिलती है, यू कैन सी ऑलरेडी मैंने इसे एक बार यूज़ किया है। इसे यूज़ करने के बाद ही मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आपको टोटल 10 ब्रशेस की सेट मिलती है। तो यहाँ पे आपको 5 फेस की ब्रशेस मिलती है, यू कैन सी 1, 2, 3, 4, 5 ब्रशेस आप अपने इसमें फाउंडेशन, कंसीलर, कंटूर, हाईलाइट इन सब के लिए यूज़ कर सकते हो। वो इस तरीके से 5 आई मेकअप के लिए ब्रशेस मिलती है। अगर मैं इसके ब्रिसल्स के बारे में बात करूँ तो इसके ब्रिसल्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है एंड काफ़ी ज़्यादा ईजिली इस तरीके से अप्लाई भी हो जाती है आपके फेस में, बिल्कुल भी हार्श नहीं है, विच इज़ वेरी गुड। एंड इसके वॉल्यूम भी काइंड ऑफ ठीक ठाक है, ज़्यादा थिक भी नहीं है, ज़्यादा थिन भी नहीं है, विच इज़ परफेक्ट। ओके, सबसे पहले आपको मिलती है इस तरीके से फ्लैट टॉप ब्रश। आप अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो बहुत ही ईजिली। वैसे ब्रशेस को तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको ये ब्रश यहाँ पे ही यूज़ करनी है। सो नेक्स्ट आपको मिलती है थोड़ा सा ये काइंड ऑफ यू कैन सी एंगल काइंड ऑफ है, यहाँ पे इस तरीके के एक ब्रश आपको मिलती है जो आप अपनी कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए इजीली यूज़ कर सकते हो। इसमें आप देख सकते हो थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है ब्रश एंड नीचे की तरफ थोड़ा सा कम है, विच इज़ परफेक्ट फॉर अंडर आई एरिया। नेक्स्ट अब जो ब्रश है उसकी जो टॉप है ना, ये काइंड ऑफ राउंड शेप में है, यू कैन सी। इसे आप अपने ब्लश को अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो अपने चिक्स में, ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपको ब्लश को अप्लाई करेगा एक फिक्स एरिया में। सो नेक्स्ट जो ब्रश है वो है, यू कैन सी, ये है काइंड ऑफ इसके ऊपर के जो पार्ट है ना, ये भी काइंड ऑफ राउंड ब्रश है लेकिन इसकी जो ऊपर की पार्ट है ना ये थोड़ी सी शार्प है। सो इससे आप हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इसकी जो अपर पार्ट है यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा शार्प है। तो मैं इसे हाईलाइटर को अप्लाई करने के टाइम ही यूज़ करती हूँ। और वैसे तो हाईलाइटर के लिए हम फैन ब्रश यूज़ करते हैं, बट इस सेट में आपको फैन ब्रश नहीं मिलती है, सो इससे ही आपको काम चलाना होगा। तो इसके बाद जो ब्रश है यू कैन सी इसकी शेप काइंड ऑफ फ्लैट प्लस थोड़ा सा एंगल्ड है, यू कैन सी यहाँ से ब्रश शुरू होती है एंड यहाँ तक आके वो एंड होती है। इसकी शेप आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ये ब्रश इसकी शेप है। तो ये ब्रश परफेक्ट है कंटूर को अप्लाई करने में, यू कैन सी, क्योंकि इसकी शेप इस तरीके से है, थोड़ा सा नीचे से ऊपर की तरफ है। सो ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, इस तरीके से कंटूरिंग आप कर सकते हो इस ब्रश से। तो मैंने इन 5 ब्रशेस को कैसे यूज़ करना है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। नाउ लेट्स कम टू अवर आई मेकअप के लिए जो ब्रशेस इन्होंने प्रोवाइड किया है उनके बारे में। सो सबसे पहले आती है ये फ्लैट टॉप ब्रश, यू कैन सी। इसे आप अपनी क्रीज एरिया में आई शेडो को अप्लाई करने के टाइम यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आती है एक राउंड शेप में बहुत ही एंगल शार्प ब्रश, यू कैन सी। इसकी जो ब्रिसल्स है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है एंड काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है, ये बिल्कुल भी फ्लफी नहीं है। तो इसे आप अगर कोई भी आई शेडो एक पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई करना चाहते हो तो इस शेडो से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इससे आई शेडो फैलेगा नहीं दूसरे एरियाज में। सिर्फ जो पर्टिकुलर एरिया में आप अप्लाई करना चाहते हो उस एरिया में ही आप इस ब्रश से अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट है एक फ्लफी ब्रश, यू कैन सी, जिससे आप अपने आई शेडो को बहुत ही इजीली ब्लेंड कर सकते हो। ब्लेंडिंग के लिए ये ब्रश बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। तो नेक्स्ट आपको मिलती है फिर से एक फ्लफी लेकिन काइंड ऑफ एंगल ब्रश, यू कैन सी, ये भी काफ़ी ज़्यादा एंगल ब्रश है। सो इसे आप अपनी आईज के मिडिल में अगर कुछ भी ग्लिटर अप्लाई करना चाहते हो तो इससे आप कर सकते हो। इससे आप अपने आई शेडो को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ओके, इस ब्रश को। सो नेक्स्ट जो है वो है बहुत ही एक एंगल्ड ब्रश, यू कैन सी, बहुत ज़्यादा थिन है लेकिन काइंड ऑफ एंगल्ड है, शार्प है। इसे आप अपने आईज़ को डिफाइन करने के लिए, अपनी आईज़ के आउटर कॉर्नर में आई शेडो को अच्छी तरीके से डिफाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। आउटर कॉर्नर में आप इसे ईजिली इससे ब्लेंड कर सकते हो अपने आई शेडो को।
सो गाइस यही थे कुछ यूजेस इन ब्रशेस की, मैंने बहुत ही इजी वे में आप लोगों को समझाया है। बेसिकली इनकी शेप को देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इसे कहाँ पे यूज करना है। मैं हम सो नाउ और एक बात आती है, अगर जब हम ब्रशेस खरीदते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रशेस में कोई भी फॉल आउट है या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी जो ब्रिसल्स है वो फॉल आउट हो जाती है, वो निकलने लगती है। सो अब बात आती है कि क्या इन ब्रशेस की भी फॉल आउट होती है। सो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके आंसर है काइंड ऑफ यस एंड नो ऑल्सो, बिकॉज सारी ब्रशेस की नहीं होती है, क्योंकि मैंने इसे एक बार अप्लाई किया है। सो 10 ब्रशेस हैं लेकिन सारी ब्रशेस में फॉल आउट नहीं होती है। जैसे ये जो फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश है इसमें बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं है, मैं ऐसे कर रही हूँ तो बिल्कुल भी कुछ भी फॉल नहीं हो रही है। बट अगेन ये जो ब्लेंडिंग ब्रश है ना, यू कैन सी आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश, इससे बहुत ज़्यादा फॉल आउट होती है। आई डोंट नो कैमरा में आप लोग देख रहे हो या नहीं, बट बहुत ज़्यादा फॉल आउट होती है। मैं जब भी इसे ऐसे टच कर रही हूँ फॉल आउट हो ही रही है। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा ये वाली ब्रश, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रश है आई शेडो को ब्लेंड करने के लिए, बट इसमें ही ये प्रॉब्लम है कि ये फॉल आउट होती है। जब भी मैं टच करूँ मुझे इसे टच करने का भी मन नहीं करता है, डर लगता है कि शायद सारे फॉल आउट ना हो जाए। लेकिन सारे ब्रशेस में ये प्रॉब्लम नहीं है, आई शेडो की दूसरी ब्रशेस भी है मेरे पास, बट यू कैन सी इसमें फॉल आउट बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा ऐसे कर रही हूँ नहीं है, मैं सिर्फ एक ही ब्रश में मुझे ये प्रॉब्लम लगी है जो कि है ये वाली ब्रश, बाकी ब्रशेस में बिल्कुल भी कुछ भी फॉल आउट नहीं है। ओके इसलिए मैंने कहा है कि इसका आंसर काइंड ऑफ येस भी है नो भी है। ज़्यादा मैं इसके कॉन्स के बारे में भी बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग इज काइंड ऑफ ओके, क्योंकि इतने पैसे में इतना इच मिलेगा। सो या एक ब्रश उसमें हुई है, बट या इट्स ओके, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आई विल मैनेज इट। सो प्रोस की अगर मैं बात करूँ, सो जैसा कि मैंने बताया है कि इसकी ब्रिसल्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, स्मूथ है, इजिली ब्लेंडेबल है एंड बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होगी, मुझे ऐसा लगता है इसे अप्लाई करने के बाद, क्योंकि 10 में से 9 ब्रशेस में बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं है। सो दिस विल बी रियली लॉन्ग लास्टिंग। एंड सेकंड पॉइंट है हार्श नहीं है, ऐसा नहीं है कि अप्लाई करने के बाद ब्रशेस की जो भी ब्रिसल्स के जो दाग है ना वो आपकी फेस में रह जाए, ऐसा नहीं है। तो वो भी एक प्लस पॉइंट है इसकी। एंड इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, 250 के अंडर आपको ये इजिली मिल जाएगी। सो इसमें आपको 10 ब्रशेस मिलती है जिनकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी है। एंड कौन के बारे में तो मैंने बताया है कि एक ब्रशेस से फॉल आउट होती है, एंड बस यही मुझे थोड़ा सा इसकी कोन लगी है, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। सो अगर आप ये ब्रशेस लेना चाहते हो देन डेफिनेटली आप ले सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर के लिए मैं इन ब्रशेस को बहुत ज़्यादा सजेस्ट करूँगी, क्योंकि फर्स्ट में आपको ज़्यादा ब्रशेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही मिनिमम ब्रशेस से भी ना आप अपना मेकअप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर सच बताओ तो इन 10 ब्रशेस की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 2 या फिर 3 ब्रशेस हो एंड एक ब्यूटी ब्लेंडर हो तो देन डेफिनेटली आप अपना फुल फेस मेकअप भी कर सकते हो। तो गाइस यही था मेरा आज का ये रिव्यू, आई होप आपको पसंद आया है। मैं इस ब्रशेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे और भी वीडियोस आगे देखते रहने के लिए। सो मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।